अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान ये घर तुम्हारा है? जी भाई ये घर मेरा है, क्यों खेलता है? तुम्हारे पास कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंसा है? क्यों, तुमने क्या करना है? मैं व्यापारी है, अगर तुम्हारे पास कोई बकरा, गाय, भैंसा, भैंसी है तो ले आओ, मैं खरीदता है। अच्छा तुम व्यापारी हो, मेरे पास दो नस्लदार कुत्ते और एक अबलख नस्ल का गधा है, क्या तुम वो ले लोगे? अच्छा दो नस्लदार कुत्ते और एक अबलख नस्ल का गधा तुम्हारे पास है। वैसे एक बात बताओ, तुम इन जानवर को कहाँ से पैदा करते हो? व्यापारी हो व्यापारी बन के रहो, तमीज से बात करो। तमीज से क्यों बात करूं? तमीज कोई दुकान से मिलती है जो तमीज से बात करूं? ओ भाई शराफत से पेश हो शराफत से, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं तमीज सिखाने के। हा? तुम छोड़ो इन बातों को, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास अगर बकरा, भैंसा, बकरी ये है तो ले आओ, वरना ऐसे मेरा टाइम जाया मत करो। तुम जैसे अमेरिका के बराक ओबामा जो तुम्हारे पास टाइम नहीं। वाह 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 वाह, धोबी का गद्दा घर का न घाट का, यही मिसाल तुझ पे जचती है। अबे अक्कल के अंधे, धोबी का कुत्ता होता है ना घर का होता है ना घाट का होता है। एक तो तुम फजूल बातें करना शुरू हो गए हो, मैं तुझे कह रहा हूँ तुम्हारे पास कोई जानवर बिकाऊ है या नहीं? लगता है तुम दिमाग से अंधे हो, मैंने तुझे अभी बताया है मेरे पास दो नस्लदार कुत्ते और एक अबलख नस्ल का गधा है। अब तुम बताओ कि तुम अबलख नस्ल का गधा लोगे या दो नस्लदार कुत्ते लोगे? अबे कमीने, तुझे इतना भी नहीं पता कि एक व्यापारी से किस तरह डील करनी है? मैं तुझे गधे और कुत्ते लेने वाला व्यापारी लगता हूँ। तूने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बात मेरे बड़े भाई तक जाएगी। जा जो मर्जी कर, मैं नहीं डरता तेरे बड़े भाई से। ठीक है अगर तुम मर्द का बच्चा है तो यहीं रुकना, मैं अभी भाई को बुला के ले आ रहा हूँ। ठीक है जा जा, जिसको बुलाने मर्जी बुला के ला, मैं इधर ही खड़ा हूँ तेरे इंतजार में। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? भाई व्यापारी ने मुझे थप्पड़ मारे हैं। थप्पड़ मारा है? तुम मुझे पूरी बात बताओ। अच्छा उस व्यापारी की इतनी जुरत जो मेरे भाई को थप्पड़ मारे, आओ मेरे साथ। तुमने बहुत हाथ उठा लिया बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों, तू भीख मांगने वाला भिखारी है? आज पूरी बस्ती के सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों, रद्दी वाला है तू? ओए हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। क्यों, तुम लोग बेवा हो? कमीने, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों, तुम लोग कसाई हो? मेरा भाई तेरे टोटे टोटे कर देगा। कमीने मैं व्यापारी हूँ, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों के पास भैंसा बकरी गाय है कि नहीं? नहीं यार हमारे पास नहीं है, हमें माफ कर दो। कमीने तुम लोगों ने ऐसे मेरा टाइम जाया किया, जाहिलो दफा हो जाओ। कमीने आज मेरी बेइज्जती करा दी।